नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महज 500 रुपए, रकम भले ही छोटी थी लेकिन इरादे इससे कई गुना बड़े थे। दिल में कुछ करने का जज्बा था, कोई सपोर्ट भी नहीं था, अगर कुछ था तो वो महज खुद का इरादा जिसने हर पल मदद की। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सफल और मशहूर एक्ट्रेस में से एक, दिशा पाटनी की। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे कलाकारों की फेरिश्त काफी लंबी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लिए सफलता की इबारत लिखी। दिशा पाटनी 26 साल की हो चुकी हैं। वो बताती हैं कि जब वो मुंबई आई थी तो उनके पास महज 500 रुपए थे। इस 500 के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो उन्हें कहती हैं कि उन्होंने खुद काम किया, कभी भी अपने परिवार वालों से मदद नहीं मांगी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी थी जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह के साथ काम किया था। इस फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था लेकिन अपने इस छोटे से रोल में वो कई दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाई थी। हाल ही में उन्होंने सलमान खान के साथ भारत फिल्म में भी काम किया। अभी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही थी। हालांकि बॉलीवुड से पहले उन्होंने तेलुगु फिल्म लोफर में भी काम किया था। उन्हें डांस करने का काफी शौक है। वो बताती हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो वो स्कूल जाते समय स्कूटी से उसी रास्ते से होकर निकला करती थी जहां पर रणबीर के पोस्टर लगे रहते थे। वहीं साल 2017 में उन्होंने अपने आप को 5 करोड़ का घर गिफ्ट किया था। तो आपको दिशा पाटनी की लाइफ स्ट्रगलिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।